अररिया जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए जदयू से मुर्शिद आलम ने अपना पर्चा दाखिल किया है। जदयू एवं बीजेपी गठबंधन से मुर्शिद आलम को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आज मुर्शिद आलम जी के नामांकन के अवसर पर अररिया महिला कॉलेज परिसर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जोकीहाट के मतदाता मौजूद थे। इस मौके पर जदयू विधायक मास्टर मुजाहिद आलम, नौसाद आलम एवं जदयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी शरीक हुए। मंच पर बीजेपी के भी कई नेता दिखाई दिए। लेसी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार का चौतरफा विकास किया है और आगे भी करते रहेंगे। श्री नीतीश कुमार ने मैं महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया है एवं साइकिल योजना के तहत बच्चियों में शिक्षा पाने की ललक पैदा कर दी है। आज हजारों की संख्या में बच्चियाँ सड़कों पर साइकिल चलाती हुई स्कूल जाती हुई देखेंगी। यह मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की पहली सभा है जहां सब लोग हम लोग यहां उपस्थित हैं और नामांकन में देख रहे हैं कि जो लोग बैठे और खड़े हैं, जो घूम रहे हैं, उसमें 3 हिस्सा नौजवान लोग यहां पर खड़े हैं बैठे। तो नौजवानों में जो ताकत है, नौजवानों में जो क्षमता है, अगर वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत मुर्शिद आलम को जीतने से नहीं रोक सकता। हम सब लोग जानते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। ये नौजवानों में ताकत है, इस ताकत का इस्तेमाल करना, हमेशा इसको ख्याल रखना। आदरणीय बलियावी साहब का तकरीर जब सुनिएगा तो और भी जोश हो जाएगा। हम लोग तो बिहार सरकार के मंत्री हैं और हमने जो काम कर हमारे तमाम एनडीए गठबंधन के जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहती हूँ कि आप भी पार्टी के लीड हो, आप जो चाहोगे वही होगा। तो मैं इच्छा रखती हूँ कि आप निश्चित रूप से कड़ा मेहनत करेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मान सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। आपका स्वागत है। आज जो कि हाट चुनाव के लिए नॉमिनेशन का आज पहला दिन है और मास्टर मुजाहिद आलम साहब की हाट विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव होने जा रहा है उसमें एनडीए प्रत्याशी के रूप में जदयू के प्रत्याशी श्री मुर्शिद आलम का आज नामांकन हो चुका है। आप सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार पिछले 12 सालों से बिहार के 11.5 करोड़ मतदाताओं को, जनता को अपना परिवार मानकर 18 घंटे दिन रात जग कर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं। आज से 12 वर्ष पहले न यहाँ बिजली थी, न सर थी, न स्कूलें थी, और इन 12 सालों में इन सब क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण आज बिहार देश का सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला राज्य है। तो नीतीश कुमार के कैंडिडेट श्री मुर्शिद आलम को जो उपचुनाव होने जा रहा है, नीतीश कुमार की सरकार है, अगर वो जीत जाएंगे तो हमारे साथ जदयू के एक और विधायक नौसाद आलम साहब है। बहुत ही मास्टर मुजाहिद आलम साहब और नौसाद आलम साहब की बात करें तो जदयू की ये दोनों सितारे हैं, एक तरह से ये कहा जा सकता है, और सीमांचल के हर एक लोग इनको जानते हैं और सीमांचल में बहुत बड़ा योगदान रहा है इन लोगों का। आइए बात करते हैं कि आज जो नॉमिनेशन है उस पर क्या कहना चाहते हैं। हमारे जदयू के प्रत्याशी श्री मुर्शिद आलम जी का नामांकन हुआ है और बहुत ही सफल नामांकन हुआ है। हजारों की तादाद लोग यहाँ वर्कर आए थे यहाँ पर और अच्छे ढंग से नामांकन हुआ है। आधार पर हम लोग विधानसभा चौकी में लोगों के बीच जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के काम काज के आधार पर उन्होंने जो सड़क है, पुल, बिजली, 7 विषय का काम किया है, आरक्षण का काम किया है, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है, उस आधार पर हम लोगों के बीच जाएंगे और उनकी अच्छी छवि लेकर के हम जाएंगे। और उम्मीद करते हैं यहाँ की जनता हमारा जो प्रत्याशी दिया हुआ है, जो हमारे कलवट प्रत्याशी श्री मुर्शिद आलम है, उनको भारी मत से जिताने का काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार जो भी काम की है उसका अच्छा नतीजा सामने देखने को मिलेगा।